लगी बच्चों आइसक्रीम? तो जी हाँ गाइस, सुना आपने, बच्चों को ये आइसक्रीम बाज़ार से ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसे कैसे बनाते हैं, इसमें कितनी लागत आती है, बहुत ही कम प्राइस में बहुत आसान तरीके से बन जाती है ये ब्रेड वाली मैंगो आइसक्रीम। सो दोस्तों, अब ये मैंगो आइसक्रीम हमने कैसे बनाई है, इसकी रेसिपी अब चलो आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने कस्टर्ड को, जैसे हम करते हैं कस्टर्ड करके ठंडा कर लेना उसको, फिर एक मैंगो को दोस्तों क्रश कर लेना है, और अब अमूल क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो मलाई आप ले लीजिए। तो आप लोगों को मलाई लेकर उसमें इसको मैश कर लेना है अच्छी तरह, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। कस्टर्ड ठंडा हो जाए तभी इसको करना है, मैंगो को जो हम लोगों ने क्रश किया था मिक्सी में, मिक्सी के जार में। और आपको जो क्रीम है वो मलाई की बना लेनी है अच्छी तरह, उसको फेंट कर मलाई को क्रीम कर लेना है, चाहे आप चॉपर से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमने कर ली है अच्छी तरह इसको मैश, फिर एक बार हम इसको चॉपर में चला देंगे। और ये क्रीम हम थोड़ी सी रह गई थी दोबारा पा दी है, तो इसको दोस्तों अच्छी तरह जितना हो सके कर लेना है, इसमें कोई फुटकड़ियाँ सी ना रह जाए, तो डलियाँ ना रह जाए, तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। क्योंकि ये रेसिपी दोस्तों मेरी सिस्टर ने मेरे को बताई थी, तो मुझे लगा कि यार ये घर पर ट्राई करनी चाहिए। तो ये इसमें कितना सामान लगता है, कितनी लागत आती है, ये सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो हमने चॉपर से इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है, देख सकते हो कि अगर जब ये खाएंगे तो बहुत ही स्पंची सी लगेगी गाइज। तो आप देख सकते हैं हमारे कितनी छोटी बाल्टी है, तो हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया था क्योंकि हम बुक्कड़ हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा कैलोरी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले ये ब्रेड के स्लाइसेस हमने ले लेने हैं, 20 रुपए की ब्रेड आई थी तो उसके छोटे छोटे स्लाइसेस हमने ये प्लास्टिक के जार में, एक टॉफियों का बचा हुआ था तो खाली पड़ा था तो मैंने सोचा इसमें रख ले। तो ब्रेड के स्लाइसेस लगाने के बाद साइडों को काट देना ब्रेड के स्लाइसेस, तो उसके बाद ये चार पीसेस हमने कर लेने हैं जिस हिसाब से आपका वो डब्बा है। तो जैम्स हम ले आए थे, 5 रुपए की जैम्स आती है, तो जैम्स के हमने पा लिए कि बच्चों को खास पसंद लगती है, तो 10 रुपए की हम ये चेरी लेकर आए थे, चेरी ग्रीन और रेड मिक्स करा ली थी, तो इससे भी रंगत थोड़ी देखने में अच्छी लगती है। तो गाइस, उसके बाद फिर से हमने इसमें पाए 20 रुपए के छोटे छोटे से थोड़े काजू लिए थे, काजू बादाम, तो अगर आप पाना चाहो तो पा सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। तो दोस्तों जेली की बात आती है तो आइसक्रीम में जेली ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो हमारे पास जेली तो थी नहीं। हमें आइडिया आया कि हम क्यों ना 10 रुपए का पैकेट आता है बच्चों की टॉफी जेली का, वही हम पा देते, हमने वही पा दी। और फिर बाद में दोस्तों हमने मैंगो के स्लाइसेस काट के बीच में डाल दिए, क्योंकि मैं 2 मैंगो लाया था, तो 2 मैंगो में सोचा कि यार ये पूरे के पूरे हमें आइसक्रीम में ही पाने हैं। जो ये आप जार देख रहे हो तो कितना, 1.5 लीटर का होगा, तो हमने सोचा बना ही लेनी है। तो फिर से हमने वो आइसक्रीम के ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस साइडों को काट कर फिर से हमने पाया इस पर कस्टर्ड जो बनाया हुआ था मिल्क शेक टाइप का। तो कस्टर्ड पाने के बाद फिर से हम वही चीज़ करेंगे दोस्तों जो हम पहले किया है, जैम्स डालने हैं, काजू डालने हैं, फिर हम थोड़ी थोड़ी जितने के हमारे पास गुंजाइश थी हमने डाल दिए। तो ये चेरीज डाल के, काजू डाल के, जेली डालकर फिर से मैंगो हम इसमें ऐड करेंगे ब्रिक ब्रिक स्लाइसेस काट कर। तो अगर आप ज़्यादा ब्रिक करना चाहो ज़्यादा ब्रिक भी कर सकते हो, अगर मोटे करना चाहो तो मोटे भी कर सकते हो, तो ठीक है ना। तो फिर से दोस्तों हम तीसरी लेयर इस पर डालेंगे ब्रेड की, अगर आप 2 चाहो तो 2 की भी बना सकते हो, बहुत यम्मी बनेगी। तो उसके बाद हम गाइस तीसरी लेयर फिर से ब्रेड की हमने डाल दी है इसमें, क्योंकि जब ये बनेगी तब इसका दोस्तों हमें टेस्ट पता चलेगा, बट ऐसे ही देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो हमने कम से कम दोस्तों 4-5 लेयर थी, हमने जो पूरी की पूरी 20 रुपए की ब्रेड थी हमने वो सारी इसमें ऐड कर दी। तो वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है, तो गाइस तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें भी कर दी है, तो जो कंटेनर जैसा है ये प्लास्टिक का वो काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, अभी आपको आगे दिखाते हैं, आधे से ऊपर आ गया है। तो हमने फिर से जैम, काजू, काजू किशमिश जो भी था, जेलीज वगैरह, मैंगोज़ वगैरह सभी ऐड कर दिए इसमें, तो बहुत ही दोस्तों यम्मी बनी थी, बच्चों को खासकर बहुत पसंद आई। अगर बाज़ार से लेने जाओ इतना का एक डब्बा 500-600 रुपये का आता है, तो क्यों ना हम सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये की लागत में दोस्तों, इतना 100 रुपये भी नहीं लगता, कम ही लगता है, तो घर बैठे आराम से बना सकते हैं। आई थिंक 100 लग ही जाता है, तो बड़े आराम से बना सकते हैं ये घर पे और साफ़ सुथरी। और आपने देखा हमने चौथी लेयर पा दी है, जो पीसेस जिस हिसाब से आए थे हमने डाल दिए काट कर, क्योंकि
आपको पता है जैसे केक तैयार करते हैं ऐसे, आप देख सकते हो कंटेनर काफ़ी ऊपर तक जो आ चुका है, जो प्लास्टिक का ये हमारा डब्बा सा। तो गाइस अब इसमें हमें करना क्या है, बस इसको अच्छी तरह ऊपर से डेकोरेट करके, ये देखिए आपने डाल दिए फिर से काजू बादाम जेलीज, ग्रीन जेली, येलो जेली, रेड जेली है, और फिर से मैंगो के स्लाइसेस काट के हमने फिर से रख दिए हैं इसके ऊपर। तो लास्ट पे हम रोज़ सिरप यानी कि रूह अफ़ज़ा हल्का सा डाल देंगे। तो गैज अगर आप लोग ऐसे भी खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, अगर आपको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दोगे तो आपको तो मज़ा आने वाला। तो हमने फ्रिज में रख दिया है और हम इसकी वेट करते हैं। A few moments later. तो जी हाँ गाइज, हमने 5 घंटे बाद इसको फ्रिज से बाहर निकाला है और आप देख सकते हो कि ये देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है यार, देखने में रंगत अच्छी लग रही है। तो थोड़ा सख्तपन आ गया है इसमें, तो हमने ज़्यादा सख्त नहीं करने की, चबाई भी ना जाए, बट फिर भी इसको ऐसे ट्राई करते हैं क्योंकि आइसक्रीम तो बहुत है। तो आइसक्रीम दोस्तों देखने में काफ़ी जम्मी लग रही है, हमने टेस्ट किया था तो ऑसम थी यार। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपनी सिस्टर को जिन्होंने ये रेसिपी बताई मेरे को, तो हमने घर पर ट्राई की। तो ऐसे ही आप लोग दोस्तों ट्राई कर सकते हो घर पर, कुछ नहीं लगना है, 2 कप दूध के लगने हैं, ब्रेड लगनी है 2-4 स्लाइसेस, और आपको मैंगो एक चाहिए और कस्टर्ड वगैरह, और आपने अपनी मनपसंद से जो कुछ पाना है आप पा सकते हो, और घर वालों के साथ आप सर्व कर सकते हो, फैमिली के साथ बहुत शौकी आइसक्रीम बनानी है। ऐसे ही आपको और ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पर, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। इस बार कुछ था नहीं बनाने को, तो हमने सोचा चलिए आइसक्रीम ही बनाते हैं। अगर आप किशमिश सौगी डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। तो हमने 4 लोग हैं तो हमने प्लेट में सर्व कर ली है, घर में रात को ठंडी ठंडी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी खानी है तो आ जाइए हमारे साथ, तो इंजॉय कीजिए मैंगो ब्रेड आइसक्रीम। सो बहुत ही हटके यूनिक आइटम है ये, तो आप प्लीज़ ट्राई करना, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाते रहें, क्योंकि हम बार बार इधर आपके सामने ऐसी रेसिपी लाते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। तो जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू, टिल देन बाय बाय।